सड़क किनारे खाना बना रही इस महिला का नाम रितु चोपड़ा है। आर्थिक परिस्थितियों ने रितु को इंडिपेंडेंट बना दिया। दरअसल रितु ने पहले कई सारे प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुए। अब वो किशोरी किचन के नाम से घर का खाना लोगों को खिलाकर खिलाती है और लोगों को इस खाने का स्वाद पसंद भी आता है, जो कि खाने में भी हेल्दी है और स्वाद में भी एकदम घर जैसा लगता है। ये घर जैसा खाना होगा, हमारा यही मेन इशू है कि हम यहाँ पे जो जिसको भी खिलाएं बिल्कुल साफ सुथरा और घर जैसा खाना होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे आपको राजमा चावल, कढ़ी चावल, छोले चावल और सीजनिंग सब्जी रोज डेली चेंज होती है। जैसे कभी सरसों का साग हो गया, मेथी आलू हो गया, आलू मटर हो गया, रोज डेली आपको चेंज मिलेगा। तो पर्पस क्या था आपका किशोरी किचन खोलने का और क्या मकसद था? मेन मकसद यही था, बीना इंडिपेंडेंट वुमन, किसी पे डिपेंड नहीं होना, बस। तो ये दिमाग में कब आया कि हमें इंडिपेंडेंट बनना चाहिए या फिर इस तरफ काम? नहीं, वो शुरू से ही था, मैं शुरू से ही इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। बस अब किचन के उससे बनना मेरे लिए ज़्यादा इजी रहा मुझे, क्योंकि पहले काफ़ी चीज़ें ट्राई करी मगर उसमें इतना बच्चों पे फोकस नहीं हो पा रहा था मेनली। अब बच्चों पे भी फोकस कर पा रही हूँ मैं और यहाँ काम भी कर पा रही हूँ। पहले जो आपने कुछ स्टार्ट किए हो उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कैसे फेल रहे या वो क्या कुछ आइडिया थे? घर पे बैठे बैठे कभी हैंडलूम्स का काम करा, तो घर पे मैंने देखा है मेनली ये काम नहीं चल सकते। फिर टिफिन सर्विस का करा, वो भी घर से ही किया था मगर घर से मुझे नहीं रिस्पॉन्स मिल रहा था, इस वजह से मैं बाहर आई हूँ। और अपने हस्बैंड के सपोर्ट से, बिना उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है मुझे, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। और इससे कहीं ना कहीं फैमिली को भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट कितना मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक इंसान के आज के टाइम में कमाने से नहीं चलता। मेरे दोनों बच्चे पढ़ते हैं, एक 9th में है, एक बेटी 4th में है। तो अब 9th वाले को कॉलेज जाना है तो उसके लिए आपको पता है कितने एक्सपेंसिव होते हैं, कितने फॉर्म्स भरे जाते हैं बच्चों के फ्यूचर के लिए, तो उसके लिए तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है ना। इस वजह से मेन इशू ही बच्चों की स्टडीज़ है, बच्चे पढ़ें, अपने अपना लायक बने, यही मेरा मेन मोटिव है। तो अभी आपके वहाँ सबसे ज़्यादा लोग किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं? और कढ़ी चावल एंड बिरयानी। और आप इसको बनाती कब है, इसमें कितना टाइम लग जाता है वो थोड़ा बताइए? मॉर्निंग में सुबह उठ के बनाती हूँ, अब 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं मुझे। तो आप लोग यहाँ पे कब आते हैं और ये कब शॉप आप क्लोज करते हैं? सुबह हम 11:00 आ जाते हैं और शाम को हम 3:30-4:00 तक चले जाते हैं। फिर उसके बाद जो भी आपका अगर टिफ़िन का ऑर्डर होता है वो मेरे घर से सप्लाई हो जाता है, क्योंकि मैंने अपना नंबर स्प्रेड कर दिया है, कार्ड्स दिए हैं, तो उनका अगर ऑर्डर किसी का होता है, किसी को पसंद आता है तो वो ऑर्डर देते हैं। तो अभी गर्मियाँ आएंगी, गर्मियाँ में क्या कुछ आप अपने मेन्यू में बदलाव भी करेंगे? देखो कोशिश तो होगी कि थोड़ा सा चेंज करें, जैसे दही भल्ले सोच रहे हैं हम लोग और नई चीज़ें सोच रहे हैं। बाकी मेरे हस्बैंड कॉन्टिनेंटल शेफ रह चुके हैं तो शाम को मैं भी कुछ और भी ट्राई करेंगे। अच्छा एक ये है कि बाहर इंसान खाने के लिए निकलता तो उसकी हेल्थ भी ख़राब होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अब बाहर भी उसे घर जैसा खाना मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे दी? मैं मेरा यही मोटिव है कि 101% मेरे पास जो भी खाना मिलेगा आपको घर जैसा मिलेगा, जो आप लोग खाएंगे वही मैं खाऊंगी और मेरे बच्चे खाएंगे, तो किसी चीज़ से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मेन मोटिव ही यही है कि किसी को भी किसी का हेल्थ इश्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद अच्छा खिलाएंगे तभी तो कस्टमर हमारे बनेंगे। और ऐसे कर्म करें क्यों यार कि किसी के साथ बुरा हो, अच्छे कर्म करेंगे तभी तो सब कुछ मोटिव है, सक्सेस ही तभी मोटिव है कि आप करोगे अच्छा तभी आपको मिलेगी।